हमारे गाइड है गोलकुंडा के मिस्टर सिराज, पूरा उन्हें समझाते हुए। इस वक्त आप यहाँ पे हैं, ये जो ठहरे हम लोग, ये मेन गेट है अंदर जी। दुश्मन आने से गेट नहीं दिखाई देने के लिए ये एक दीवार है, कर्टन वॉल, पर्दे की दीवार। अगर जो है हाथी दौड़ते हुए आके गेट तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता। ये दीवार यहाँ है बोल रहा है ये है ना? अच्छा, ये दीवार उसके पीछे रैन ये दीवार घूम गया तो ताकत कम हो जाती। तोड़ने की कोशिश करे तो ऊपर से गर्म तेल, गर्म पानी, गर्म लेड उन पे डालने की। यहाँ कोई ताली बजाए जी तो 500 फीट ऊपर सुनने के लिए है। सुने टेक्नोलॉजी वो जमाने की वायरलेस, यहाँ ताली बजाए तो 500 फीट ऊपर सुनने के लिए। 500 फीट ऊपर वो बताएंगे आगे जाके। किसी भी बिल्डिंग में मशाल का यूज नहीं होता। मशाल लगाने से बिल्डिंग काली होती है, धुआं मरता उसमें रहना उनके शान के खिलाफ। तो अंधेरे में हीरे लगा के लाइट लेते हैं। क्या हीरे लगा के लाइट लेते हैं? गोलकुंडा माइंस, गोलकुंडा हीरा, कोहिनूर, वहीं भी बिल्डिंग बगैर हीरे के नहीं होती। ये नगीना बाग है, हीरे को नगीना बोलते हैं। कोहिनूर हीरा यहाँ से स्टार्ट हुआ जी। ये डायमंड का मार्केट था जी। एक बड़ा हॉल है जी। पुराने लोग बोलते हैं ना दीवार को कान होते हैं जी। जी अभी वर्किंग में है जी। अगर आप इस दीवार में सवाल किए तो शायद उस दीवार से बात करेंगे आप। अच्छा, आर पार आवाज आती है, अभी बात करेंगे आप। हाँ। ये है हमारे न्यू सिराज भाई, ओल्ड सिराज भाई ट्रांसफर कर दिए काम पूरे न्यू सिराज भाई को। सिराज भाई क्या क्या बता रहे हैं अब आप? शुरू स्टार्ट पूरा ये गेट की सेफ्टी के लिए ये दीवार बनाया, पर्दे का दीवार। ये है पर्दे का दीवार, वो स्टार्टिंग में बोले देखो उस समय मध्य तो गेट की सेफ्टी के लिए दीवार बना। अगर ये दीवार न रहेगा तो लड़े के समय अगर दुश्मन को गेट तोड़वाना रहेगा तो एलिफेंट यूज करेगा। हाथी जब दूर से भाग कर आएगा उसका ताकत फोर ज्यादा होगा, मारकर गेट तोड़ेगा। तो हाथी को पीछे हटाने के लिए ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल। ये देखने से आपको डोर पूरा आयरन का दिखाई दे रहा है। तो ये जो रास्ता बताया, ये किले के जो गेट का रास्ता है वही है, पूरा टर्निंग मोड पे आना पड़ता। टेक्नोलॉजी देखे वो हाथी भाग के नहीं आना बोल के मोमेंटम तोड़ने टॉर्चर करने के लिए वो रास्ता देखे फेंकने का। अरे वो जॉब को अप्लाई कैसे करते होंगे? तेल फेंकने लगाते थे लोगों को। वहाँ पर नहीं आएगा और इरफान आए महाराष्ट्र से, हमने थाली बजाते बजाते दोस्ती हो गई हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? मैसेज देने के लिए मोबाइल वाले नहीं होता है, अपना अपना मैसेज 47 ही देते। ये आवाज़ जो ईको हो रहा है 7 फीट के अंदर में ईको होता है, 7 फीट के बाहर में जाने से ईको का आवाज़ नहीं आता। ईको होने का कारण है ऊपर में जो डिजाइन देखा है, डायमंड डिजाइन कटिंग होती है। यहाँ जो हाथताली करते वो बरादरी पर सुनाई देते। बालाजी सर बोलते हैं ना? हाँ, बालाजी सर। यहाँ क्लब करेंगे 500 फीट ऊंचाई राजा के दरबार। ताली मार के मिस कॉल दे देंगे। मिस कॉल एक ताली बजाओ किंग आ रहे, दो ताली मेहमान, तीन ताली दुश्मन, पता लोग का कम्युनिकेशन होता था। गुड वर्क। ये सामने मर्चुरी, यहाँ के किंग या क्वीन का डेट हो जाएगा तो यहाँ पर जनाजे को गुसल देते, गर्म पानी, ठंडा पानी, फुल रोज वाटर से यहाँ पर डेड बॉडी स्नान करने के बाद जनाजे को मेन गेट से नहीं निकालते, पीछे के रास्ते। अगर मेन गेट से लिख देंगे तो उनके दुश्मन को पता चलेगा कि फलाने बादशाह मर गए, तो दुश्मन फोर्ट के ऊपर पॉकेट से 40 दिन के बाद जब यहाँ के शहजादे को किंग बनाएंगे इस समय ऐलान करते, जब तक के बाद पूरा। अच्छा, तो जब तक सीक्रेट रखते बता रहा हूँ। लेकिन कोई कोर्ट से बोल दिया तो बादशाह मर गया। अंदाजा कितने साल पुराना ये? ये 500 साल पुराना है। ये 500 साल पुराना है? 15-18 पक्का फोर्ट। ये लोखंड का वेट, आयरन का वेट, इसका वेट है 240 kg, 240 kg। इसका मकसद 500 साल पहले यहाँ पर जो भी आते थे जॉब के लिए उस जमाने में आदमी का पढ़ाई डिग्री नहीं देते, आदमी का ताकत देते। तो क्या 250 kg का उठाते थे लोग? 250 kg का वजन उठाना पड़ेगा एक हाथ से, तो यहाँ पर फौज में सिलेक्शन करते। अरे 25 kg का चावल का थैला उठा हुआ तो हालत तो उठा जाएगी, तो उठाते थे लोग? तो फेल कर देंगे जी। हाँ, उठा सकते, ट्राई कर सकते तुम। ट्राई नहीं, खड्डा खोद के रखती, जितना स्पीड में जाने की कोशिश करेगा खड्डे के अंदर में गिर जाएगा तो दुश्मन को पकड़ ले। तो दरवाजा डमी है? डमी दरवाजा है, दिख रहा है? रास्ता बन गया, सिर्फ धोखा ही है। धोखा है ये कहाँ से ले लेके जा रहे भाई? ना धोखा वाला रास्ता कर। ये हाइट मेरी फिल्म मालूम छोटा है ना, तो अभी सिराज भाई क्या बोले, लोग जो सलाम करके नहीं आते थे उनके लिए आर्चेस छोटे बनाए, पंजर रहा तो झुक के आए तो एक तो छुप जाता और दूसरा है जबरदस्ती का सलाम यहाँ से हो जाता। अच्छा, महल के अंदर में मशाल यूज नहीं करे लोग, मशाल यूज करेंगे तो धुएं से पूरा महल काला हो जाता है, बोलकर मशाल नहीं, पूरे डायमंड लगा के हीरे नीचे में एक दो दिया जलाते, दिए की रोशनी डायमंड पर पड़ने से लाइट। अब समझना है मेरे को, वो जो बोले देखो
सीनियर सिराज भाई के हीरे लगा मामला ऐसा कैसा लाइट आ रही, तो वो दीवार लगा रहे नीचे। अपनी पब्लिक कहीं भी रख हो जाती स्वीटी का क्यों नहीं स्वीटी? लास्ट जो बिल्डिंग देखे बड़े व्हाइट कलर का बिल्डिंग से थे जी जी, तो जमाने में जो बंजारे होते थे और बंजारे माने डांस करने वाले लोग को बोलते हैं, लंबाड़े लोग को। लोग के रहने के लिए पहाड़ी इलाके में जगह दिया था, अभी हैदराबाद का समय पास एरिया है बंजारा। अब समझ में आया नाम कैसा पड़ा। नाचने वाले आज शहर को नचा रहे जाओ। यहाँ के मिनिस्टर लोग रहने के लिए यहाँ मुस्लिम लोग के पास हिंदू भाई को मिनिस्टर बनाया। अखंड नाम मादन मादन, ये मशहूर है दो भाई। इसका फर्स्ट नेम गोलकुंडा नहीं गोल्ला कुंडा नाम था, गोल्ला बोले तो चरवाई को बोलते। शिव पट 1143 में हिंदू राजा काकतिया पटा, ये वरंगल के किंग थे, उस समय वो लोग यहाँ आए थे शिकार के लिए। यह हैदराबाद का पहाड़ी इलाका लोग को अच्छा दिखने की वजह से वो लोग चरवाई लोग से बात करके ले लिया। अच्छा, मटपोट बनाने के बाद तेलुगु में नाम दिया गया गोल्ला कुंडा। फिर खुतुब शाह दौर ये 1518 में आया उसके, तो इनको टेक ओवर किया। तो ये बहामनी आया उसके बाद में 1363 में, ये तुर्की से आए थे। लोग के पाँच फोर्ट थे, बीजापुर का फोर्ट, अहमदनगर का फोर्ट, बिदर का फोर्ट, गुलबर्गा फोर्ट, पांचवा गोल्लाकुंडा फोर्ट। गोल्लाकुंडा फोर्ट पे भी वो लोग भी मुस्लिम लोग भी मट्टी का ही फोर्ट बनाकर रोल करे थे। ओके, ये ईरान से आए थे मोहम्मद सुल्तान कुली कुतुब शाह, ये लोग शिया मुस्लिम थे। ये लोग आए थे बिजनेस सीखने के लिए, बिदर के फोर्ट में उनके अंकल रहते थे, उनका नाम था अल्लाह कुली। तो बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस में तरक्की होने के बाद उनके अंकल क्या करे, बिजनेसमैन से हटाकर बहामनी लोग के पास का गवर्नर बना के रखा। ओके, ये गोल्लाकुंडा फोर्ट के गवर्नर थे। तो उसके बाद में इनका बहामनी सल्तनत खत्म हो गया, इनका कोई लड़का वगैरह नहीं था। ये लोग गवर्नर रहने की वजह से इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर करे कि हम लोग यहाँ के किंग है, ऑटोमेटिक टेक ओवर कर दिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन है, देखो गोलकुंडा कुतुबशाही दौर का है लेकिन स्टार्ट हुआ काकतिया डायनेस्टी में, फिर बहामनी और एक्चुअल नाम है गोल्लाकुंडा, काकतिया बहामनी कुतुबशाही। 1518 में मोहम्मद सुल्तान कुली कुतुबशाह पक्का बनाने का फाउंडेशन रखा, मट्टी का किला तोड़कर कोई स्टोन नीचे से ऊपर नहीं लिखेगा दीवारें बनाने के लिए। अच्छा, जो है उसको पक्का कर दिया, ऊपर से नीचे बनाते भाई लोग उल्टा बना। अच्छा, ओके, कोई उसमें टेक्निक? उल्टा इसलिए बनाया जहाँ पर नेचुरल रॉक्स कट करने का जरूरत पड़ा, पहाड़ी इलाका कट करे जहाँ जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे ही नेचुरल पहाड़ी पे वाले बना। अच्छा, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। लेकिन वो उसके बाद खत्म जब दौर हुआ तो निजाम दौर जो है वो कहीं और ही पूरा एस्टैब्लिश करे। 1518 में मोहम्मद सुल्तान कुली कुतुब शाह फाउंडेशन रखा, 1543 तक रूल करे। उनका डेथ होने के बाद उनका लड़का जमशेद कुली कुतुब शाह 1543 से 1550 तक रूल किया। फिर उनका इंतकाल होने के बाद उनका भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 में ये फोर्ट कम्प्लीट हुआ 1580 में। जब फोर्ट कम्प्लीट करने के बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह इस फोर्ट का नाम गोल्लाकुंडा हटाकर उर्दू और तेलुगु में नाम दिया गया गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोल माने उर्दू में राउंड को बोलते, राउंड गोल, कुंडा माने हिल को बोलते। अच्छा, पानी ऊपर कैसा चढ़ता उस जमाने जब कुछ था नहीं? उस टाइम पे कोई मेटल का पैम नहीं होता, मिट्टी के पैम होते, ब्लैक जो मिट्टी होती मिट्टी के पैम बनाते। उस टाइम पे बिजली मोटर नहीं होता, पर्शियन व्हील बोलते, लकड़ी के जो चरखे होते, चरखा चलाकर पूरा पानी। तो इस तरह से पूरा तब तक सप्लाई दुर्गम चेरो से यहाँ लाते, उस जमाने में पानी पीने के लिए यूज करते। तो आप बोल रहे दुर्गम चेरो का पानी यहाँ सप्लाई था? कितने किलोमीटर अंदर? 13 किलोमीटर पड़ता है। वाह सिस्टम, वाह। अच्छा, चरखा कैसा चल रहा? आदमी आदमी लोग फिराते हैं चरखा, अच्छी लोग बोलते हैं। इब्राहिम कुली कुतुब शाह बनाए थे मस्जिद जी, इब्राहिम मस्जिद बोलते हैं जी। यही डिजाइन देकर उनका लड़का फोर्थ वाले किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में चार मीनार बनाने का फाउंडेशन। तो ये मस्जिद अभी एक्सेस है या बंद है? बंद है अभी, फोर्थ में जितने भी किले के अंदर में भी मस्जिद है बंद है अभी फिलहाल, बंद करके रखे। तो चांद मीनार इस वजह बना, यहाँ पर प्लेग का बीमारी होगा जी, चूहे का बीमारी जी, तो लोग मर जाते जी। तो ये बीमारी खत्म होना बोलकर इस मस्जिद का मन्नत मांगकर मोहम्मद कुली कुतुब शाह चांद मीनार बनाने का फाउंडेशन रखा। चार मीनार बने थे 11 ईयर्स में लगा 11 साल। तो इन्हीं के दौर का कुतुब शाह दौर का 1591 का दिखाओ एग्जैक्ट शेप। तो ये सेम कॉपी मीनारी ने बना टेरेस के ऊपर में, वो लोग मस्जिद मस्जिद भी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर। कई लोगों को मालूम नहीं है फर्स्ट फ्लोर एक हिस्सा जो है जहाँ से शहर देखते हैं वो कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर होता है। तो नीचे का फ्लोर मस्जिद है और ऊपर का टेरेस के ऊपर में मस्जिद है, छत के ऊपर में मस्जिद बनाया। अभी फिलहाल वो भी बंद रखे हुए। दो माले तीन माले के बिल्डिंग से 1687 में मुगल ने अटैक किया था, औरंगजेब जब आए थे उनका लड़का मोहम्मद आजम ऑटरवाल से जो कार के अंदर में इंटर हुए आप लोग फर्स्ट वाला डोर मिला है वहाँ से वो लोग दो बार वापस चले गए अटैक नहीं कर सके। थर्ड टाइम जब आए यहाँ के तानिशाह के खास बॉडी गार्ड थे अब्दुल रजाक लारी अब्दुल रजाक बनी, उन लोग को रिश्वत देकर उनका लड़का मोहम्मद आजम ने खरीद लिया था।
हाँ भाई, जो औरंगजेब के बेटे बोले ना, अभी क्या नाम था उनका? राय मोहम्मद, मोहम्मद आजम जो है ये किंग के तानिशाह के खास दो बॉडीगार्ड्स थे, उनको रिश्वत था, उनको रिश्वत खिला के एंट्रेंस लिए, क्योंकि बोले तो कई महीने अटैक कर रहे थे, अंदर आ नहीं सके क्योंकि बहुत सॉलिड 45 वो है 40 है। तो जब रिश्वत खा के एंट्रेंस करे वो लोग, एंट्री जब ले लिए, सबसे पहले किसको मारे मालूम? वही दो बॉडीगार्ड्स को मारे। क्यों मारे? रिश्वत खा, इन लोग को हम रखेंगे तो इन लोग हमारे लिए भी डेंजरस थे बोलते पहले। खुद के बादशाह के ये लोग वफादार नहीं निकले, हमारा क्या काम करते बोल के तो रिश्वत लाइट थैंक यू हो गया पूरा। ये है स्पॉट जहाँ पे मिस्टर KCR ना झंडा चढ़ाना शुरू करे, कब से? जब से KCR फॉर्म हो यहाँ पे। अच्छा, कोई खास वजह जो यहाँ झंडा चढ़ाया जा रहा? उनकी ख्वाहिश ही बोलते हैं ये फोर्ट के अंदर, फोर्ट के अंदर में झंडा लगा है तो इसीलिए कायम हो गया। आप हर साल यहाँ पे होते रहेंगे? ऊपर से आएगा ठंडा पानी, नीचे से गर्म पानी, फ्रीजर गीजर लाइन्स करते वो लास्ट में जो छेद देख रहे हैं उसके ऊपर में टैंकी बना हुआ है, छेद के अंदर में लकड़ी कोयला डालेंगे, पानी गर्म होगा, पानी सप्लाई करने के लिए लकड़ी के चरखे चलाते पूरा पानी सप्लाई करते, टूटने की वजह से थोड़ा थोड़ा। तो मतलब 24 घंटे 7 दिन 24/7 सर्विस था यहाँ पे गर्म पानी। यहाँ पंडे बाद एक जगह बताते हैं, ये जो लोग ठहरे हुए देखो मुजरिमा समझो तो वहाँ ठहर के जजमेंट देते थे, और यहाँ से एक खिड़की बोले ना ऊपर, खिड़की है जो ऊपर दिखती नहीं, क्यों बोले तो कोई पहचानत के निकल गया तो लाइट ले लेंगे बोल के, तो यहाँ खड़ा करते हुए बेगम नहीं दिखाई देते। तो ये स्पॉट यहाँ अब दिख रहा है ये वहाँ से नहीं, तो यहाँ कुछ ठहर के दीवार बोलते हैं, ये पर्दे की दीवार बोलते हैं, अभी अपन वहाँ ठहर कर देखने से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, वहाँ पर लेफ्ट साइड में राजा बैठेंगे, राइट साइड में रानी, रानी अभी नहीं दिखाई। जो मेहमान आते सैनिक बाहर से लेकर आते राजा लोग के यहाँ बिठा कर वो लोग वापस बाहर चले जाते, जैसे पुराने लोग कहावत में बोलते हैं ना, धीरे बात करो बेटा दीवार के भी कान होते, तो मेहमान जब यहाँ बैठेंगे तो लोग अपने आप बात करेंगे, अपने आप बात करेंगे राजा की दुश्मनी के बारे में, तो किसी के बारे में भी बात करेंगे, तो लोग को पता नहीं होता था कि कौन सुन रहा है। ये तीन हॉल में लोग कहीं पर भी बैठ कर बात करो, यहाँ बैठ कर बात करने का आवाज़ राजा के बेडरूम में सुनाई देता था ऊपर, अभी बेडरूम टूटने की वजह से ऊपर जाकर नहीं सुन सकते। एक मिनट इधर आओ, यहाँ दीवार में कान पर कान लगाओ, यहाँ कान के ऊपर में रखो आपका, वेरी गुड। इधर मारे पीछे मारे। हेलो हेलो हेलो, वो फिल्म है वहाँ से आवाज आई मेरे को। जो सेंटर में जो कट बना है इसकी वजह से आवाज ट्रांसलेशन होता है, ये आवाज राजा के बेडरूम में ऊपर में सुनाई देता है। पूरी रात राजा खाली बैठे थे, होंगे क्या क्या बोल रहे हैं अपने बारे में, बता सुन लेते बैठे थे राजा। रानी परेशान, क्या आवाज ही सोने आओ, बोले तो ना कान लगा लेके बैठे हुए। कितना टिकट कितना भरा रात के शो का? उसमें दो क्लास, ऊपर में चेयर डालते 140 है, नीचे यहाँ चेयर डालते 80 रुपीज टिकट है। मैं लेट के देख रहा हूँ 600। ये जो फाउंटेन है राजा हिल गए पुकार ले रहे, देखो इट्स ओके आउटर वन इसके 7 किलोमीटर का बाउंड्री है पूरा, 7 किलोमीटर पूरा आउटर वन, अंदाजा बता ना आप। अरे अंदाजा नहीं, किलोमीटर क्या। ये मेकअप रूम है, अभी ग्रिल लगा कर बंद कर दिया, इसलिए पब्लिक नामा लिख कर दीवारें खराब करने के लिए। अच्छा ओके, दस वाले भाईजान सलू भाई की शूटिंग एच हुई थी, कहते हो वांटेड मूवी है देखो। हाँ। जो मार लेते भागते हैं गन से उससे, पूरा यहाँ शूटिंग हुई, पीछे के हिस्से में शूटिंग हुई। 5000 ये तो अच्छा हाथ रखकर आवाज उनका नाम पुकारो कैंबो। देखो मुन्ना कब का लग रहा, सिराज भाई पैसे कब लो, आ सुना है देखे। तो यहाँ पूरा लोअर कोर्ट बताया आप जितना भी बताया लोअर कोर्ट है, और चलते चलते वाकई हालत रह गया। वो जमाने में कैसा था होगा, बेगम जरा बाजू से पानी लाओ बोले तो बेगम निकले घोड़ा ले लेके। अब यहाँ से है अपर हायर कोर्ट जो बोल रहे बालन हिसार जो मेन फोर्ट जो, तो अब यहाँ से अब ऊपर हम लोग आपको पूरा एक व्यू बता देंगे। चलिए सिराज भाई बहुत खुशी हुई, बहुत जबरदस्त बताया, कभी भी आए तो मेक श्योर सिराज भाई के साथ गोलकुंडा को जो भी आ रहे गाइड गाइड जरा आप वो करो। अब यहाँ से 360 सीढ़ियां चढ़ना है क्या अपने ऊपर, फिर उसके बाद 307 उतरना है। अभी देखिए एंड ही इज फ्रॉम इंदौर, और पैंडमिक से इतना पागल हो गया बंदा, ही सेड सोलो ट्रैवलिंग बस भाड़ में गए पूरे लोग, और दोस्ती ऐसे बता देंगे।
हाँ भाई पानी से बहुत पी रहे, थक गए। दिखने में इतना सा दिखता, देखो ऊपर आए तक एक मिनी एडवेंचर है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे जगह मान्यता हम लोग को भी। अच्छा आप पूरा गाइड ले लो, गाइड अपने हिसाब से आप उनको बात कर लो क्या रेट्स रहते क्या नहीं रहते। बाज़ लोग एकदम डेंजर रेट से भी शुरू करें। एनीवे तो ज़बरदस्त था ये पूरा एक व्लॉग, और जैसा अभी बंदा मिला था एक इंदौर का जो पूरा ट्रैवलिंग कर रहा था, वैसा आप लोग भी कमेंट करो नीचे आपके अपने शहर और कुछ ऐसे खास जगह वहाँ पे जहाँ पे आप चाह रहे कि हम आना, क्या बोलते कैम्बो, हैदराबाद के भी जगह एक्सप्लोर करेंगे पब्लिक, वो भी कमेंट करो नीचे कौन से जगह है, और ऑल ओवर इंडिया भी ट्रिप माना शुरू करेंगे, क्या बोलते इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोग नीचे कमेंट्स करो, सेलेक्ट करेंगे, कई सारे ऑलरेडी शहरों से आ रहे हैं हम लोग को कमेंट्स कि आप हमारे ये सिटी को विजिट करो, यहाँ के खाने खाओ, अलग अलग जो जगह है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल ओवर इंडिया। बड़ा टास्क है, कैमरा तैयार है तुम, और कैसा भी मेक श्योर लोग जो जो ये पहली बार देख रहे हैं थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे, चीज़ें करेंगे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई न्यू चैनल और बेल आइकॉन कैसा भी दबाओ। क्यों बोले तो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया लास्ट वीडियो, कई लोग बोले मेरे कि उनको पता ही नहीं था उसके बारे में, बेल आइकॉन आप कैसा भी इसमें दबाओ। चलो जरा मियाँ पानी पी लूँ मैं।